कि ऑडियंस से दो शब्द कहें और इस फिल्म के बारे में बताएं। आई हैव अ माइक हियर। नमस्कार, सत श्री अकाल। इट्स अ हिस्टोरिक डे टुडे, अ वेरी इवेंटफुल डे। अ गुरु हु टॉट द वर्ल्ड अबाउट एक ओंकार, अबाउट इक्वालिटी। भंड जमीए ही सेज, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। वाई डिवीन वुमेन हु गिव्स बर्थ टू किंग्स। ये मैसेज उस वक़्त बोला गया था 500 साल पहले, जब वुमेन को स्लेव रखा जाता था, और उन गुरुओं को, गुरुओं की वाणी को निचोड़ के एक फिल्म में लाना, ये अपने आप में चैलेंज था। बट जिस तरह से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मेरा साथ दिया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं बीबी जागीर कौर, एक अपने आप में बहुत महान लेडी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रही, अभी लेडीज़ विंग के भी प्रेसिडेंट हैं एसजीपीसी की। मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएं। मैं साथ में उनको बुलाना चाहूँगा जो कि महाराष्ट्र स्टेट के एसजीपीसी के प्रेसिडेंट हैं, श्री बावा। Give them a big round of applause, please. Thank you. Hi. आप लोग मुझे तो सुनने नहीं आए हैं, तो मैं अब बुलाना चाहूंगा उस शख्सियत को जो कि एक जिब्राल्टर रॉक की तरह मेरे साथ खड़ा हुआ। कल तक सिंगापुर में था, फ्लाई करके जल्दी आ गया और अपने काम छोड़े, और जिस तरह से उसने, जिस लगन से, जिस तरह से मुझे गाइड भी किया। बॉलीवुड कोई आसान सी हस्ती नहीं है, बॉलीवुड में काम करना इतना एक नए आदमी के लिए आसान नहीं है, और जिस तरह से उसने अपना तन मन धन लगा के मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के मुझे हेल्प किया, मदद किया, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा वन एंड ओनली सुपरस्टार मिस्टर अक्षय कुमार। हेलो एवरीवन, नमस्ते। टुडे वी आर हियर टू स्पीक अबाउट सी एंड सेलिब्रेट एक ओंकार। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक ओंकार का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल, जो नहीं जानते हैं, देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट गॉड इज योर गॉड whom यू फॉलो। इट इज सच अ सिंपल थिंग। और वैसे भी मैं अभी गोइंग टू शो द ट्रेलर भाई, नाउ यू आर गोइंग टू रिलीज, नाउ फर्स्ट यू विल रिलीज द सॉन्ग एंड देन द ट्रेलर। अच्छा ठीक है। सो नाउ आरती भाभी की हाल है, नमस्ते जी। ये एक ऐसी फिल्म है, मैंने आज से करीबन एक सवा साल पहले मैंने ये फिल्म देखी थी, और मैंने अपनी, मतलब एक ही दिन के अंदर दो बार, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन के अंदर दो बार ये फिल्म मैंने जाके देखी। एक मैंने अकेले देखी और एक मैंने अपनी मम्मी के साथ देखी थी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स अ ब्यूटीफुल बिलीफ, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। सो जस्ट वॉच दिस लवली सॉन्ग, पहला गाना दिखा रहा हूँ, देयर इज अ लवली सॉन्ग, आई होप यू गाइज लाइक इट। अक्षय कुमार जी, मिस्टर जी एस बावा जी, बीबी जागीर कौर जी, मिस्टर
मिस्टर समर सिक्का जी, मिस्टर रसूल जी, मिस्टर कौशल दलाल जी एंड मिस्टर भूषण कुमार जी, प्लीज स्टेज पर आ जाएं सो दैट हम पोस्टर लॉन्च कर सकें। मिस्टर हरिंदर सिंह सिक्का जी, मिस्टर समर सिक्का जी, just giving you the details. Okay, everything done? I request Akshay ji, Harinder Singh ji, Samar ji, Rasool ji to be on the stage for Q&A. For question and answer. अभी आया आया हमिंग क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जो इनको पूछना है फिल्म के बारे में। ये चालू कर दीजिए, थैंक यू। अपनी मतलब इसकी झोली में आ गए हैं, लेकिन फिल्म से 3 साल से जब से फिल्म तैयार हुई थी या बन रही थी तब से विवादों में रही है और कल शायद इसकी सुनवाई है अंतिम, तो क्या कुछ इसके विवादों से जुड़ा हुआ चल रहा है और कल क्या होने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? तो इसमें कोई सुनवाई जो शुरू में SGPC ने इसमें ऑब्जेक्शंस किए थे, जब उन्होंने किए थे तो हमने फिल्म किसी किस्म में विवाद में पड़ने की बजाय फिल्म उतार ली थी और SGPC के साथ में 1 साल तक इस फिल्म को ठीक किया था जो जैसा ये चाहते थे। गुरु साहब को हम किसी रूप में नहीं दिखा सकते, हालांकि पिक्चरों में आते हैं बड़े रूप में दिखाते हैं लोग दुनिया, बट हमने इस फिल्म में एक लॉ की तरह एक अग्नि में उस तरह से जिस तरह से SGPC ने कहा, थोड़ी सी बड़ी आकार है 15-20 फुट की है, बट जिस तरह से उन्होंने कहा उसी तरह से दिखाया गया है। तो SGPC से जो अप्रूवल हुआ है वो अल्टीमेट था, जब तक वो नहीं हुआ हमने इसको बाहर में लाना ठीक नहीं समझा। कल कोई सुनवाई नहीं है इस फिल्म का। सारी बात खत्म हो गई जी। ओके,
नानक शाह फकीर की पूरी टीम बहुत बहुत बधाइयाँ. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बुक माई शो. हाँ जी, सत श्री अकाल जी. मेरा सवाल अक्षय पाजी तो है. अक्षय पाजी, दिस इज तुसी तीन बार सिख के कैरेक्टर आ चुके, मतलब बीट सिंह इज किंग, सिंह इज बिंग और केसरी. सो वेन एवर यू डॉन द टर्बन, डू यू फील अ सेंस ऑफ प्राइड और डू यू फील दैट योर पर्सनैलिटी गेट एनहेरेंस? प्लीज टॉक अबाउट दैट. वेन एवर यू डॉन द टर्बन, वॉट यू वॉन्ट से अबाउट दैट? हमें मैं पंजाबी बोलना. अच्छा, हिंदी. अभी मुझे कहा गया कि मैं बहुत पतला हो गया हूँ, और मैं ये बता सकता हूँ कि अब मैं केसरी की शूटिंग के लिए कल जा रहा हूँ, और सिंस लास्ट एक डेढ़ महीने से मैं शूटिंग कर रहा हूँ. तो जब भी मैं सर पे ताज पहनता हूँ, मैं अपने आप चौड़ा हो जाता हूँ. सो तो आई वुड जस्ट वॉन्ट देम टू से कि बाबा जी कल कभी मेरी शूटिंग पर आओ तो मैंने देखो सर पर ताज पा के मैं अपने आप मोटा लग रहा था. Ma'am, tell me honestly, when you saw the trailer, if you were with me, I mean say if you were me, wouldn't you back the movie? Stature would come on board. I'm not doing this because of any kind of thing, because I believe in the first thing. When I came here, I spoke about Ekumkar. I believe there's only one God, and that God is the God whom we believe in. So that I, and also there's one very big reason also in this film. But would you like to tell them about the woman's thing? Galgaro. So, what Akshay wants me to talk about is what has touched him the most, and he wanted to release that during the Women's Day. It was Guru Nanak's words on Bhand Jamiye, on women. He said, we are born to women, conceived by women, we travel with women, and we, if a woman dies, we marry another, and then continue with our journey. Then Guru Nanak Sahib says, So kyu manda akhiye jit jamiye rajan. And his last line is, Nanak Bhando Bhara Eko Socha Soe. He gave women a padvi of next to God. Ke sirf God Paramatma aurat se paida nahi hua, baki sari srishti aurat se hui. To hum usko demean kyun karte hain? Aaj iski sabse zyada zarurat northern belt mein hai. In female infanticide mein ratio bigad ke rakh diya hai. Ek beta beta ki khwahish mein. Jabki beti guru sahab ne इस फिल्म में एक महीने एक मिनट का डायलॉग है जिसमें उन्होंने इस डायलॉग को बोला है. ये मैसेज अपने देश की प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन लेकिन भाजी, मैं आपको बताऊं कि जिस हिसाब से वेमेन आर नाउ कमिंग इन इंडिया, अभी तक हम बेटी बचाओ करते आए हैं. ट्रस्ट मी, अनदर 5 years 10 years इल बी बेटा बचाओ. Hello, Akshay sir. I remember in Namaste London, there was a beautiful scene of you going to a mosque and you run into Ben Patel's character and you tell him how a father sort of passes on his sentiments through his religion to his son. And it's a beautiful scene. Is there any memory of yours of going to, let's say, the Gurudwara with your mom or dad that has touched you, or sort of your first spiritual experience as a kid? My memory, which is with my grandmother. हम लोग चांदनी चौक में रहते थे, तो मेरी जो नानी थी मुझे शीशगंज गुरुद्वारे लेके जाया करती थी, और वहाँ मैं गुरबानी सुनने नहीं जाता था, वहाँ मैं प्रसाद खाने जाया करता था. और प्रसाद खाने जाया था, लेकिन पता क्या हो गया, वो वहाँ जब मैं जाता था तो जो गुरबानी चलती थी वो दिमाग में ना एक रोज़ आप सुनते रहो तो वो बैठ जाती थी. तो इसीलिए मैंने, अगर आपने देखा होगा, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गुरबानी गाई है, निर्गुण राख लिया. सो वो मेरी नानी मुझे लेके जाया करती, वो मेरे दिमाग में रह गई. तो एक दिन मैं भूषण जी को जाके, टी सीरीज के जो मालिक है, उनको कहा कि यार मुझे एक गुरबानी गानी है और मैं गाना चाहता हूँ, और तू उसको रिलीज़ कर देना. एंड दैट गॉट रिलीज, एंड दैट इज़ द मेमोरी आई हैव विद मी. वेरी स्वीट, थैंक यू. Akshay, this movie faced a lot of issues in terms of releasing, and it faced a lot of protest from Sikh people only. Even Padmavat had faced a lot of protest, for which you had, you know, shifted the release date of your movie. Do you think today creativity is at stake?
today's creativity at stake, Amit said? I don't think so. People have to understand, they get क्या होता है कभी कभी कुछ चीज़ें हम बनाते हैं जो इज़ नॉट अप टू द मार्क. सो समटाइम्स समबडी कम्स विद इट एंड दे कम्स एंड गिव गुड सजेशन. सो जैसे इस फिल्म के लिए हमें राइट सजेशन मिले और उस सजेशन को हमने फॉलो किया, इन्होंने फॉलो करके फिल्म को देखा और फिर फिल्म में और ज़्यादा निखार आई. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स इट. मैं इंटरवीन करना चाहूँगा, ये ट्रेलर ऐसा नहीं था. तो थोड़े दिन पहले आप केसरी की शूटिंग से वापस आए तो कहते हैं कि आप आ जाइए. जैसे लैंड किए हेलीकॉप्टर आई साइड पर दिन कार ही सॉ द ट्रेलर इन द कार इन इसे ये ट्रेलर को चेंज करिए. एंड आज जो आपने डबल दोबारा चलवाया है उसमें भी पीछे काम किसी और का था. तो अक्षय नीड्स टू बी गिवन क्रेडिट फॉर दैट. हरिंदर जी यहाँ. I've read somewhere that during, can you see me? The wise man. Yep. Yes, please. Harinder ji, is it true that while shooting for this film in Gujarat, when problems arose, it was Narendra Modi who came to your rescue? If yes, then could you just tell us how, what did he do to help you out? This is a very difficult thing for me to explain this. I have received support from angels. And I felt them. It's easy to say this, but I felt something on my shoulders all the time. I was disallowed to shoot in Bhuj. I was disallowed to take the boat into the oceans. And this boat was 200 years old, and or to be looking like that, which you saw on the. So, मुझे बोलते थे कि boat इतना चल नहीं पाएगी. So I said, ये परमेश्वर देखेगा. But collector ने मना कर दिया. तो हमने एक टेलीफोन किया चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में. तो चीफ मिनिस्टर साहब फ़ोन पर आ गए. ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है. उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाइए, समझाइए. मैं और समर सिक्का मेरे को प्रोड्यूसर, हम वहाँ गए. उन्होंने करीब 1.5 घंटा मेरे से बातचीत किया. फिल्म के बारे में बात नहीं किया, मैं किस तकलीफ़ के लिए आया हूँ ये बात नहीं किया. और मुझे अंदर में इस फिल्म को बनाते बनाते इतना विश्वास हो गया था कि जो हो रहा है मेरे साथ में अच्छा हो रहा है. वापस आया तो तब तक मेरी सब अप्रूवल्स पहुंच चुकी थी. हम ये शिप लेके गए 25 माइल्स इनसाइड 24th June 2013 वापस आ गए. हमारे पास पूरी लाइफ जैकेट्स नहीं थी, 200 का क्रू था. दूसरी बार फिर गए दूसरे दिन 25 जून 2013 को और वापस आ गए. और जब वापस आए तो सिर्फ 5 फीट का पानी रह गया था जट्टी के पास में. और जब हम बैठ वापस आके पहुँचे, शिप को वापस लगा दिया, रोप सोप से टाइट कर दिया, शिप वहाँ बैठ गया. ये कहीं भी हो सकता था. तो मोदी साहब ने इतना ज़रूर किया था कि उन्होंने बिना मुझे ज़्यादा बताए, बिना एहसान दिए, ऐसी घटनाएं हर जगह हुई हैं. पंडरपुर में हुई हैं, जहाँ पर कि हम शूटिंग कर रहे थे और कुछ लोग बोलते थे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो शूटिंग नहीं करने देंगे. तो हमने उद्धव ठाकरे जी को फ़ोन किया, वो भी लाइन पर फ़ोन पर आ गए. ऐसा होता नहीं है, आप लोग जानते हैं. और वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर 1 से ज़्यादा घंटा हमारे साथ बिताया. और उन्होंने कहा था कि हम इस गुरु नानक साहब की फिल्म को किसी को छूने नहीं देंगे. वो जितने माफिया जितने बैठे थे वो सब चले गए थे. तो ये कौन करवा रहा था मैं नहीं जानता हूँ, बट जिसने इस फिल्म को देखा है, मैंने इसलिए कहा कि SGPC का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बारीकियाँ ढूंढी हैं, पहले तो उनको विश्वास नहीं था कि हम ये फिल्म उतार लेंगे. बहुत नुकसान की बात थी, 40 कंट्रीज में चल रही थी. तो हमने उतार लिया इस फिल्म को. हमें इस फिल्म से अगर प्रॉफिट नहीं चाहिए तो मुझे आप नुकसान करा ही नहीं सकते. उन्होंने बहुत मदद किया, 1 साल तक काम किया. यहाँ बाबा जी बैठे हैं, कोई इन्होंने ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर हमें मदद नहीं किया. तो SGPC का मदद करना, वो ट्वीकिंग करना ताकि सही मैसेज बाहर जाए. एनी प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर मोदी जी? देखिए, मैं स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए, ये गुरुद्वारा की तरह है. एक गुरु नानक साहब बहुत बड़े हैं सबसे. जिनको जिनकी किस्मत में होगा ये ब्लेसिंग्स लेना. आपने आरती देखी है. एक आम आदमी जिसे कैमरा से फ़ोटो खींचना नहीं आता वो ये खींच सकता था?
तो ऐसा क्या हुआ कि एक इतना बड़ा कारवां चल पड़ा और 1500 लोग दिए के लाइट में इस तरह से आरती उतार के चले गए, कैसी आरती हुई, भव खंडना तेरी आरती, मेरी तो औकात नहीं है। तो दिस फिल्म वॉज रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई गुरु नानक। ऐसे ऐसे फिल्मों के साथ है ना ऐसा ही होता है। मुझे अभी भी याद है बचपन में एक फिल्म बनी थी जय संतोषी माँ, आपने देखी होगी, जय संतोषी माँ बनी थी। तो एक साल कोई खरीदार नहीं था उसका, और वो जो जिसने बनाई थी वो चांदनी चौक में ही रहता था, और मुझे अभी भी याद है हमारा पड़ोसी था, तो कोई खरीदने आने को तैयार नहीं, कुछ नहीं करने को तैयार, वो 1.25 साल हो गए उसको ही खरीदने को तैयार नहीं। और ही हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन इट, लॉट ऑफ मनी। कैसे ना कैसे किसी ने फिल्म उठाई, बोला चलो हम रिलीज करते हैं, उपकार के हिसाब से उन्होंने फिल्म रिलीज की। एंड द काइंड ऑफ बिजनेस दैट फिल्म हैज डन, इट वाज ह्यूमंगस, ह्यूमंगस। सो देर आर फिल्म्स विच आर लाइक दिस। ऐसी मुझे अभी भी याद है शिरडी के साईं बाबा मनोज कुमार साहब ने बनाई थी फिल्म, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एंड देन द काइंड ऑफ बिजनेस दैट फिल्म डिड, देन सो मेनी मेनी थिंग्स आर देयर। ही इज ऑल्सो फेस्ड, आई हैव बीन विद हिम सिंस 1.5 ईयर, आई नो हिम 2 ईयर्स, आई नो हिम, एंड ही स्पोकन टू मी, वी हैव स्पोकन एट नाइट, एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ही वेंट थ्रू एंड देन एवरीथिंग हाउ ही केम थ्रू इट। मतलब मैंने नहीं देखी, बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं जो रिलीज हो जाती हैं, लेकिन री रिलीज मैंने आज तक नहीं देखी। उस एक फिल्म को रिलीज री रिलीज होना, इतने जन आना, आके लोगों को देख, लोग देखेंगे फिल्म को, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये एक इट्स अ मिरेकल व्हिच आई एम माइसेल्फ सीइंग इट, दैट्स इट। रसल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द फिल्म, द टीचिंग्स एंड हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू? व्हेन मिस्टर सिक्का अप्रोच्ड मी टू डू द साउंड डिजाइन फॉर द फिल्म, you know, he came through some other references and references and references. So we started talking, you know, a lot of things about the film. And we have this tendency, you know, in the industry, if somebody talks too much, then there is something wrong in this whole thing. So I thought, I said, I want to see what you have done. So they showed me 40 minutes of the edited footage, and I was blown away by what I saw. And I said, I want to do the film. I want to work on the film, and I want to put the right people behind the film. So I asked Air to score the movie, and he saw the movie, and he wanted to score the movie. He kept the movie with him for almost 3 months, three and a half months. And I told him, Air, you know, we have to release the movie. You can't keep it like this. He said, you know, he was working on Majidi's film at that time. Then he frankly told me, look, I want to do the film so much, but I'm doing a similar film. So what I'll do, I'll give you the best guy possible for this film. So he suggested me, there's another composer who lives in Finland, but who has been living in India for 7-8 years and who has a follower in India. And his name is Thomas Cantillon. He's a big composer from Hollywood. He's done Adventures of Hercules, he's done Mongol, huge films like that. And a man who has his heart, you know, an Indian heart. An amazing person. So with whom we sat. And I was going through the film and I realized that how come nobody has made a film about Guru Nanak Dev Ji? 500 years of Sikh tradition and its history, and nobody talked about his teachings. And I found parallels with Prophet teaching in the same way. And I saw the whole film is in the perspective of a follower of Guru Nanak Dev Ji, who happened to be a Muslim. And in the south, you have Swami Ayyappan, whose follower, who's a right-hand man, is another Muslim, Wavar Gurudev Ji. So I thought, there are many, India has tremendous such stories of, you know, people from vastly different religion coming together to spread message of peace and love. And I thought I have to be part of this. And that's how my association came in. And, you know, we together co-produced the whole movie as it is, as you see it now. And I want to bring to your notice, guys, that A.R. Rahman Saab,
Kuti Saab, Pandit Jasraj Ji, Thomas, Gulzar Saab, Arif Zakaria, they have not even taken one single penny for this film. They have done everything free of cost. Samar? Lots of lights हैं, so. बहुत ही युवा हैं आप, बड़ी संवेदनशीलता से फिल्म बनाई है, कुछ बताएंगे इसके बारे में, इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया आपने? तो मेरा रोल बेसिकली बिहाइंड द सीन्स था काफ़ी सारा. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द शूटिंग हमने ये फिल्म 2010-11 में बनाने की सोची थी, तो जितना इनिशियल प्रोसेस है उसको काफ़ी वक्त लग गया. वी वेंट थ्रू यू नो स्क्रिप्ट राइटर्स एंड यू नो we took a long time to find people who would sort of match our vision, the vision of you know what we wanted to show. Nanak sahab ki life char udasiyon mein 20-22 saal pe hai, usko aap 2 ghante mein nahi dikha sakte, to usko kafi waqt laga ek us paper pe set karne mein. Through the production took around a year and a half or so. So it was एक बहुत ही चैलेंजिंग अमेजिंग जर्नी थी. कभी हमने यू नो फिल्म सेट पे गए नहीं थे, कभी फिल्म बनाई नहीं हमने, तो यू नो मेरे लिए एक बैंकिंग और फाइनेंस बैकग्राउंड से आके यू नो एक फिल्म बनाना, उसका यू नो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मेरा प्लान ऑलवेज शुरू से यही था कि 3-4 महीने 6 महीने यू नो यू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट, गो बैक टू योर ओरिजिनल फील्ड ऑफ टू माई ओरिजिनल फील्ड ऑफ वर्क विच इज़ बैंकिंग. बट मैं इतना इंग्रॉस्ड हो गया फिल्म में, फिल्म मेकिंग में, तो आई हैव been associated with. I think anyone who is associated with the film has been very, very blessed, has stayed on the film for a long time. Akshay, dharmikta, adhyatmikta, vishwas rakhte hain aap? Dharmikta, adhyatmikta, spirituality, religious? Acha, mat pehle matlab to samjha mujhe. Dharmikta matlab religious? एंड आध्यात्मिक का स्पिरिचुअलिटी सर, इसमें विश्वास रखते हैं आप? ना, आई जस्ट बिलीव इन ह्यूमैनिटी, आई जस्ट बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स, आई जस्ट बिलीव इन ऑल दैट, दैट्स इट. एक और अनुरोध था आपसे सर, पता नहीं सबके मन में ये प्रश्न होगा, आपको उचित लगे तो कहिएगा, क्या आप हाँ करेंगे? मतलब ऐसे, मतलब जो बातचीत आ रही, खबर आ रही कि मतलब अगर देश की संसद से जुड़ने का अगर प्रस्ताव आपको आता है तो क्या आप जुड़ेंगे? I think we should stay with the film. Sir, please let's not bring politics in, please. I beg you, I request. अक्षय, आप अगर कुछ कहना चाहें? उन्होंने कह दिया. Global advertiser for innovative outdoor solution. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke sath apne aap chalti hai, aur hum kya roshni dalenge uske upar. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? द ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो
और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।